ही करना, मैं करा दूंगा मतलब, ठीक है। आई विल रिकमेंड कि जो पुराना वीडियो है वो मत देखो, क्योंकि अबकी बार मैं 100% लाइव पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली मेरा इंडस्ट्री एक्सपर्ट का, शिवांगी मैम का और पेपर बी का इंडस्ट्री एक्सपर्ट का, सबका मिला के 2 महीना में, आज तुम्हारा है 7 तारीख, तो दिसंबर 15 तारीख तक हम लोग पूरा सिलेबस करा देंगे। और मतलब सब लाइव होगा सारा क्लास। अगर मेरे को लगेगा कुछ रिकॉर्डिंग में देना है, कुछ एकदम अच्छा है, तो वो हम बता देंगे, बट सारा लाइव करना, ये टर्म वाला करना, ठीक है। तो एकदम रिन्यूड जो पढ़ा रहे हैं, एकदम जो टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब होता है ना एक तो टाइम वेस्ट टाइप का, वैसा नहीं, एकदम पूरा कट टू कट पढ़ा रहे हैं, तो वो है, ठीक है ना। ओके कोई अरे वैसे नहीं बोल रहे हैं, मतलब अगर तुम लोग को अच्छा पूरा करना है तो वो करो, बट ये जो है ये सब भी अटेंड कर लेना, वही बस खाली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हेडिंग लगाना, चैप्टर नंबर 2, यूटिलिटी थ्योरी। और फिजिकल क्लास में ज्यादा लोग आ नहीं रहे, तुम लोग भी बहुत दूर दूर से आता है, तो हम सोचे हैं कि अब ऑनलाइन भी करवाएंगे। मतलब मेनली देखो, मेरा जो प्रॉब्लम था वो ये था कि मेरे को फिजिकल क्लास करवाना था CM2 में, बट सिंस अभी अटेंडेंस देख के वैसा लग नहीं रहा कि अभी जैसे ये भी घर चला जाएगा, तो वही चीज है। तो हम क्या करेंगे फिर, हम वैसा टाइम रखेंगे कि भाई वर्किंग प्रोफेशनल लोग भी अटेंड कर पाएंगे। आज जब हमको 2 बार एक चीज को कराना ही है, तो वर्किंग प्रोफेशनल भी अटेंड करे ना उस क्लास को। मेनली फिजिकल के लिए हम आफ्टरनून रखे थे, बट वो चीज तो सक्सेसफुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि लोग नहीं आना चाह रहे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मॉर्निंग इवनिंग ऐसा कराएंगे कि तुम लोग आराम से कर सकोगे, ठीक है ना। ओके चलो देखो, बहुत इजी चैप्टर है, इसको करने में हम लोग को लगभग लगभग 2 से 2.5 घंटा लगेगा, ठीक है ना। एंड वेरी स्कोरिंग टॉपिक। सो यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी थ्योरी, अभी हम लोग हर जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में जो पढ़े थे कि जैसे मान लो हम लोग जब पानी का ग्लास पीते हैं, तो पहला ग्लास से जो यूटिलिटी आता है, दूसरा ग्लास से हल्का कम आएगा, फिर वैसे होता है ना कि कर वैसे पहले हल्का बढ़ेगा, फिर नीचे जाते जाते। अब जैसे मैंने लस्सी का मैं बता एग्जाम्पल, अपना एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो बहुत सालों तक लस्सी पिया ही नहीं, जब एक दिन पिया तो बहुत अच्छा लगा, फिर दूसरा दिन, अब एक हफ्ता से लगातार हम लस्सी पी रहे दोपहर में, अब मेरे को लग रहा है नहीं यार, अब आज मेरे को इच्छा नहीं पीने का। तो ये हर चीज में होता है, बट हम लोग को लस्सी का या फिर पानी का ग्लास का या फिर वो सब चीज का हम लोग को यहाँ पर मतलब नहीं है। हम लोग फिनेंस के पर्सपेक्टिव से जब पढ़ेंगे, तो हम लोग को खाली वेल्थ का बात करना है कि भाई वेल्थ का बात करिए आप, ठीक है ना। सो वी आर कंसर्न्ड विथ यूटिलिटी ऑफ वेल्थ, ठीक है ना। एंड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ डिपेंड करेगा इन्वेस्टर का रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स में, इन्वेस्टर का रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है ना। तो जैसे मान लो हम लोग यहाँ पर मेनली बात करेंगे कि मेरे पास एक इनिशियल लेवल ऑफ वेल्थ है, अब गैम्बलिंग, अब जैसे गैम्बलिंग वर्ड ये लोग यूज किया, बट जैसे कोई भी चीज का सक्सेस या फिर फेलियर का एक रेट होता है। आज जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, हमने एसपी लेवल चालू किया, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यार एसपी लेवल चालू करने के लिए मेरे को 5 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो पैसा मेरा डूब भी सकता है अगर बच्चे नहीं आए तो। और वो पैसा मेरा बेसिकली 5 लाख का मैं 10 लाख बना सकता हूँ टीचर्स को हायर करके, क्वालिफाइड एक्चुअरीज को हायर करके, एंड अगर मेरा सक्सेस हो गया तो मैं 10 लाख। तो बेसिकली दोनों का एक प्रोबेबिलिटी है, मान लो इक्वल इक्वल प्रोबेबिलिटी है सक्सेस का। तो उस तरीके से बेसिकली हम लोग को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है फ्रॉम यूटिलिटी पर्सपेक्टिव, कि भाई ये वाला डिसीजन मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वेदर आई शुड डू दिस और नॉट डू दिस, आर यू गेटिंग इट। सो वेदर आई शुड एक्सेप्ट दिस गैम्बल और आई शुड नॉट एक्सेप्ट दिस गैम्बल, सो बेस्ड ऑन यूटिलिटी प्रेफरेंसेस। अब इन्वेस्टर का रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत तरह टाइप का हो सकता है। एक तुम्हारा हो सकता है कि इन्वेस्टर बहुत ही फट्टू टाइप का है, रिस्क एवर्स, इन्वेस्टर इज रिस्क न्यूट्रल, माने ही इज इनडिफरेंट, एंड इन्वेस्टर इज रिस्क सीकिंग, आजा रिस्क आजा, तो मतलब वो जुआ फाटका करता है पूरा दिन, वो रोले खेलता है, वो कैसिनोज में जाता है, वो स्टॉक मार्केट में, ऑप्शन में, नेचुरल गैस में, वो सट्टा लगाता है। सो रिस्क सीकिंग मतलब क्या होता है कि भाई हाँ चलो देखेंगे, जो होगा होगा। सो बेसिकली ये होता है। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो ये है, फेयर गैम्बल। फेयर गैम्बल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो या तो 10,000 आएगा या फिर 10,000 जाएगा, दोनों का इक्वल प्रोबेबिलिटी है, दोनों का इक्वल प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब क्या है, नेट नेट क्या है, जीरो। तो इस टाइप का गैम्बल को हम लोग फेयर गैम्बल बोलते हैं, जहां पर मेरा नेट नेट क्या है, जीरो, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग यही सब देखेंगे, अलग अलग टाइप का यूटिलिटी फंक्शंस देखेंगे, और वो कौन सा रिस्क प्रेफरेंस को सूट करता है ये हम लोग को देखना है, ठीक है ना। सो मैथ सब लोग निकाल लेना चैप्टर 2 का। जैसे ये लाइन से हम लोग इसमें एग्जांपल्स करते चलेंगे।
हर्ष गांधी जी आप लेट हो गए हैं, लेट मत आइए प्लीज क्लास में। आपके टाइम का मेरे को कदर है, तभी मैं टाइम पे क्लास चालू करा रहा हूं। आप लेट नहीं आ सकते हैं क्लास में, आई एम रियली सॉरी टू से दिस। ईच ईयर मैं चैप्टर टू में हूं, मटेरियल पेज नंबर थ्री। ईच ईयर मिस्टर ए इज ऑफर्ड द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट 1,000 इन रिस्क फंड, इफ सक्सेसफुल एट द एंड ऑफ द ईयर ही विल बी गिवन बैक 2,000। तो क्या बोल रहा है यहां पर, या तो 2,000 हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा 500, दोनों का होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है। हम लोग क्या बोले, देयर इज अ 50% चांस, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि मेरा कितना बन जाएगा, लगाया कितना 1,000, लगाया कितना 1,000, तो करो 2,000 इंटू 0.5, 500 इंटू 0.5 कितना आता बताओ, ये 1,250 है ना, लगाया कितना 1,000 माइनस 1, तो एक्सपेक्टेड कितना परसेंट का रिटर्न है, 25% का। सबको क्लियर हो गया ये, एक्सपेक्टेड कितना परसेंट का रिटर्न है, ठीक है ना, पेज थ्री में ये। हर्ष गांधी जी फॉलो कर पा रहे, मैट अप दिया। हर्ष गांधी जी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको समझ में आवाज आ रही मेरी, यस सर, आप सर लेट आ हैं, रही। आपको आपको समझ में आया एग्जाम्पल। हाँ जी सर, एग्जाम एक्सपेक्टेड समझ आ रहा है। आई विल हाँ टेक ठीक, कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम हियर हाँ डेफिनेटली। एंड मैट आपने निकाल लिया, हाँ जी। लेट मत आइएगा ठीक है। और हमने आपसे जैसे बात हुआ था कि हम लोग मॉर्निंग में भी क्लासेस कराएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप आने वाला 2 महीना में पूरा लाइव में ही कवर कर लें, ठीक है। सो क्लास में आइए और प्लीज लेट मत आइए, ठीक है। सॉरी ओके सॉरी चलो, सॉरी सॉरी फॉर दिस। हाँ चलो इसको हो गया। अब जैसे मान लो पेज 4 में आना, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर एक्स इज नेक्स्ट पीरियड वेल्थ इफ दे इन्वेस्ट अ प्रपोर्शन ए ऑफ देयर करेंट वेल्थ डब्ल्यू इन इक्विटी ए। माने उसका करेंट वेल्थ कितना है, डब्ल्यू है। लाइन से एग्जांपल्स करेंगे, पेज 4 में है, ठीक है ना। सो करेंट वेल्थ उसका डब्ल्यू है इक्विटी ए में। तो डब्ल्यू बेसिकली क्या बोल रहा है, डब्ल्यू डब्ल्यू से ऐसे समझ में नहीं आएगा, डब्ल्यू वेग है। मान लो 100 रुपया है, ठीक है, और बोलता है ए परसेंट मतलब 20%, 30%, 40%, कितना परसेंट इक्विटी में लगाएगा। आज हम लोग के पास में भी, यश के पास में, आज हम लोग के पास में भी मान लो, आज हम लोग के पास में भी मान लो जब 50 लाख रुपया होगा, तो पूरा 50 लाख तो इक्विटी में नहीं लगाएंगे ना। लोग एलोकेट करते हैं कि भाई हमको प्रॉपर्टी में इतना लगाना है, हमको बॉन्ड में इतना लगाना है, हमको लिक्विड कैश इतना रखना है, हमको इक्विटी में लगाना है, हमको एफएनओ में लगाना है, हमको सोना चांदी खरीदना है। इस तरीके से मल्टी एसेट में वो लोग डाइवर्सिफाई करके रखता है, राइट। तो बेसिकली उसके पास 100 रुपया है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 100 रुपया को लगा डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या, इनिशियल वेल्थ लेवल। इनिशियल वेल्थ लेवल बोलता है उसका ए परसेंटेज जो है, ए परसेंटेज जो है, तो ए परसेंटेज वो क्या करेगा, इक्विटी में लगाएगा। उसमें या तो +8% आएगा या फिर -4% आएगा, ठीक है। और आठ -4 का देखो हम लोग को प्रोबेबिलिटी दे दिया है 1/4, और यहाँ हम लोग को दे दिया है 3/4, एंड द रेस्ट इन अ नॉन इंटरेस्ट बेरिंग बैंक अकाउंट। नॉन इंटरेस्ट बेरिंग बैंक अकाउंट मतलब समझो कैश, मैंने पैसा घर पे रख के रखा है, समझ में आया तुम लोग को ये चीज, ठीक है। तो अब जैसे मान लो, अब हम लोग को यहाँ पर क्या बोला है, एक्सपेक्टेशन निकालना है मेरे को वेल्थ का। अभी भी यूटिलिटी नहीं आया है, मेरे को वेल्थ का एक्सपेक्टेशन निकालना है, जैसे पहले किए थे वही अभी करना है, ठीक है ना, ध्यान देना। तो ये लोग बोलता है डब्ल्यू, ए मान लो डेसिमल में, ए मान लो डेसिमल में, तो ए डब्ल्यू किस में लगाएगा बताओ, ए डब्ल्यू किस में लगाएगा बोलो, इक्विटी में लगाएगा। तो ए डब्ल्यू या तो 1.08 हो जाएगा, चीज समझा, या फिर क्या होगा, ए डब्ल्यू 0.96 हो जाएगा। दोनों का होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1.08 का है 3/4, और इसका कितना है 1/4, ठीक है ना। तो अब एक चीज समझो, ये हम लोग क्या समझ रहे हैं, हम लोग को पूरा पैसा ये नहीं है, इसमें और भी पैसा है। और कितना पैसा है, 1 - a इंटू डब्ल्यू, तो वो तो सिंपली ऐड हो जाएगा, तुम चीज समझा। लेकिन एक मिनट समझना, अब 1 - a इंटू डब्ल्यू प्लस दिस, ये पूरा होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 3/4, एंड 1 - a इंटू डब्ल्यू प्लस दिस होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है। मैंने समझ गया ना, 1 - a इंटू डब्ल्यू तो दोनों जगह कॉमन है, और जो ए डब्ल्यू है, जो ए डब्ल्यू है, जो ए डब्ल्यू को 1.08 होगा,
तो ये पूरा मेरा वेल्थ लेवल हो जाएगा ना। मेरा न्यू वेल्थ लेवल तो दो हो सकता है, मेरा न्यू वेल्थ लेवल तो दो हो सकता है। नॉन इंटरेस्ट बियरिंग वाला तो एज इट इज रह गया, और जो इंटरेस्ट जो जो इक्विटी वाला जो है तो या तो वो 1.08 से होगा या फिर 0.96 से होगा। ये पूरा मेरा वेल्थ लेवल होगा, ऊपर में इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 3/4, प्लस ये नीचे वाला जो मेरा होगा इसका प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। कॉपी कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकता है, AW into 1.08 into 3/4 plus AW into 0.96 into 1/4 plus 1 minus A into W। बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, तुम इक्विटी वाले का एक्सपेक्टेड निकाल रहे हैं कि एक्सपेक्टेड इक्विटी का एंड एक्सपेक्टेड नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग का, विच इज एक्चुअल ओनली, विच इज 1 माइनस ए इंटू डब्ल्यू। ये इसीलिए मैं कर रहा हूं बिकॉज तुमको न्यू वेल्थ लेवल निकालना होगा। अभी तो मान ले हम लोग देख स्टेप्स में जाएंगे, सबसे पहले तुमको एक ओल्ड वेल्थ लेवल देगा कुछ, वो लोग वो देगा प्लस माइनस करने का चीज देगा, बॉन्ड इक्विटी जो भी। उसके बाद तुमको न्यू वेल्थ लेवल निकालना है, फिर वो जो न्यू वेल्थ लेवल निकालेंगे यूटिलिटी का एक फंक्शन देगा हम लोग को। जैसे मान ले यूडब्ल्यू इज लॉग डब्ल्यू, वो लोग यहां पर क्या करेगा, बोलेगा यूडब्ल्यू यूटिलिटी फ्रॉम वेल्थ डब्ल्यू इज LNW, समझा। अब तुम जब तक नया वेल्थ लेवल नहीं निकालेगा पूरा, तब तक तो तुम यूटिलिटी नहीं निकाल सकता ना, तुम चीज समझा। अब तुम एक चीज समझो कि तुम जो बोला कि तुम बोला कि सर इसको हम अलग से ही कर लेंगे, वैसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर चीज लीनियर नहीं है ना। लॉग होगा, एक्स स्क्वायर होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, पावर फंक्शन होगा। तो तुम नया वेल्थ लेवल पूरा निकालेगा, फिर उसको तुम यूटिलिटी फंक्शन में डालेगा, और फिर तुम वो वेल्थ होने का प्रोबेबिलिटी भी मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि तुमको वो लोग बोलेगा एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालने, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी तुमको निकालने बोलेगा वो लोग। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? पेज 5 में आना, स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर एन एक्सपेक्टेशन ऑफ द नेक्स्ट पीरियड यूटिलिटी ऑफ इन्वेस्टर एक्स, अगेन अज्यूमिंग दैट दे इन्वेस्ट अ प्रोपोर्शन ए इन इक्विटी ए एंड द रेस्ट नॉन इंटरेस्ट। यूटिलिटी फंक्शन दे दिया हम लोग को, एक्सपेक्टेशन निकालने बोला है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, सुनो। अब जो है बेसिकली ये पूरा इधर देखो, अब जो है ये पूरा इंटू LN। देखो मैं लिख के दिखाता हूं, पेज 5 जो है उसका अगर मेरे को आंसर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 3/4 इंटू LN 1 माइनस A इंटू W प्लस AW इंटू 1.08, ये पूरा का लॉग हो गया, ठीक है ना, प्लस 1/4 इंटू LN 1 माइनस A इंटू W प्लस AW इंटू 0.96। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, एक्सपेक्टेशन ऑफ यूटिलिटी ऑफ वेल्थ, एक्सपेक्टेशन ऑफ यूटिलिटी ऑफ वेल्थ, एक्सपेक्टेशन ऑफ यूटिलिटी ऑफ वेल्थ कैसे निकालेंगे, जितना भी मेरा वेल्थ लेवल है उन सब का यूटिलिटी निकालेंगे और फिर उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। यूटिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी, यूटिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी, यूटिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी का सम। सो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले मैंने आपको बोला कि जो भी हम लोग यहां पर एग्जांपल्स करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हमने पेज 3 वाला एग्जांपल किया, उसमें एकदम क्लियर एग्जांपल में क्या लिखा है, उसमें लिखा है 1000 या तो 2000 हो जाएगा या फिर 500 हो जाएगा, एंड दोनों का होने का प्रोबेबिलिटी 50-50 है। तो सबसे पहले आप एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालो। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आप कैसे निकालोगे, 2000 प्लस 500 डिवाइड बाय 2, तो 1250 का आपका एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आ रहा था। हम लोग को बोला हमने जो 1000 रुपए लगाया है उससे मेरे को कितना का एक्सपेक्टेड रिटर्न बैठेगा, तो वो कैसे निकाला, 1250 बाय 1000 माइनस 1, तो 25% का रिटर्न मेरा आ रहा है, ठीक है। यूटिलिटी थ्योरी मतलब क्या, हम लोग को हर चीज का यूटिलिटी से मतलब नहीं है, हम लोग वेल्थ का यूटिलिटी मापेंगे, हम लोग वेल्थ का यूटिलिटी मापेंगे। इंसान के पास जब पैसा एक बात बोले, पैसा जब इंसान के पास आ जाता है ना उसके अंदर एटीट्यूड, घमंड, सब चीज आ जाता है। और क्यों आता पता है,
क्यों आता है पता है? बिकॉज वो इतना मेहनत करके वहां तक पहुंचा है ना, फिर उसके बाद में उसको लगता है कि नहीं भाई। तो ये जो है, ठीक है, ये जो है हम लोग यहां पर यही चीज स्टडी करने वाले हैं कि पैसा जब आता है तो इंसान का किस तरीके से फितरत बदलता है। इस पर एक पूरा चैप्टर बनाया जिसका नाम है यूटिलिटी थ्योरी, ठीक है। इसके बाद आओ, डब्ल्यू का मेरा वेल्थ है, नेक्स्ट में बोला डब्ल्यू का मेरा वेल्थ है, ए पर्सन बोला इक्विटी में लगाएगा एंड वन माइनस ए पर्सन बोला नॉन इंटरेस्ट बेरिंग बैंक अकाउंट में लगाएगा। सो क्या हुआ, डब्ल्यू इंटू ए, ए कैन बी पॉइंट पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, कुछ भी हो सकता है। सो डब्ल्यू इंटू ए, एक रुपया अगर लगाता तो पॉइंट नाइन सिक्स इंटू वन बाय फोर, 1.08 इंटू थ्री बाई फोर प्लस वन माइनस ए इंटू डब्ल्यू, क्योंकि ये तो बढ़ेगा नहीं बिकॉज नॉन इंटरेस्ट बेरिंग बैंक अकाउंट, पता है उसका कितना आया बोलो, सॉल्व करने के बाद कितना आया बताओ, नहीं बताएगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे। 1 प्लस 0.0, ये दोनों देख के बोल रहे ना, अरे इसको सॉल्व करना था भाई, ठीक है ठीक है। अब हम लोग को धीरे धीरे करके समझना है कि यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान देना। अब पुराना जो था, पेज नंबर 5 में आओ, पेज नंबर 5 में आइए, बोलते हैं स्टेट एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नेक्स्ट पीरियड यूटिलिटी ऑफ इन्वेस्टर एक्स, अगेन अज्यूमिंग दैट द इन्वेस्टर प्रोपोर्शन ए इन इक्विटी एंड द रेस्ट इन अ नॉन इंटरेस्ट बेरिंग बैंक अकाउंट। अब उसका यूटिलिटी फंक्शन दे दिया, मेरा बात सुनो, सबसे पहले दो टाइप का इसमें कैश फ्लो हो सकता है प्राची, सबसे पहले दो टाइप का इसमें कैश फ्लो हो सकता है, वन माइनस ए इंटू डब्ल्यू प्लस 0.96 इंटू डब्ल्यू इंटू ए, ये एक बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है, वन माइनस ए इंटू डब्ल्यू प्लस 1.08 इंटू डब्ल्यू इंटू ए। पहले तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करिए, बताइए कितना कितना आ रहा है, क्योंकि पहले वेल्थ लेवल्स निकाला, वेल्थ लेवल्स को फिर मैं डालूंगा यूटिलिटी फंक्शन में, जो मेरे को यहां पर दिया है यूडब्ल्यू इज इक्वल टू लॉग डब्ल्यू, यूटिलिटी निकालूंगा और फिर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालूंगा, ठीक है। चलो बताओ, ये वाला बताओ कितना आ रही है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हाँ, डब्ल्यू माइनस 0.04 ए और ये वाला W प्लस 0.04। तो इन दोनों को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो ये क्या है मेरा, ये है वेल्थ लेवल 1 और ये है वेल्थ लेवल 2। अब सबसे पहले मैं निकालूंगा कि इन वेल्थ लेवल से कितना यूटिलिटी डिराइव कर रहा हूं, तो कितना यूटिलिटी डिराइव कर रहा हूं, मतलब W 1 माइनस 0.04 ए है ना, ये पूरा का लॉग, ये पहला वेल्थ लेवल से यूटिलिटी डिराइव कर रहा हूं, इसका होने का संभावना है 1/4, इसका होने का संभावना है 1/4 प्लस ln W 1 प्लस 0.08 A, ठीक है, इसका होने का संभावना है 3/4। सो पहले मैंने क्या निकाला, वेल्थ लेवल्स निकाला, फिर उसका यूटिलिटी निकाला कि इतना वेल्थ से मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन होगा, और फिर मैंने एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ निकाला, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ। सो यूटिलिटी ऑफ वेल्थ दो है यहां पर, देखो आराम से देख लो, इस पर देखना, ये है मेरा वेल्थ लेवल, ये है मेरा यूटिलिटी एंड ये है मेरा एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। वेल्थ का यूटिलिटी का एक्सपेक्टेशन, वेल्थ का यूटिलिटी का एक्सपेक्टेशन, तो पहले जितना भी सारे वेल्थ लेवल से वो निकालेंगे, फिर उससे जितना भी सारे यूटिलिटी लेवल से वो निकालेंगे और फिर उनका एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, ठीक है। यहां तक सबको ठीक है ऑनलाइन में,
कोई भी दिक्कत आओ। एक भी क्लास जो मिस किया वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मिस करेगा, ये बात याद रखना, क्योंकि हम नहीं रुकेंगे। इन्वेस्टर ए हैज एन इनिशियल वेल्थ ऑफ 100 विच इज करेंटली इन्वेस्टेड इन अ नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट विद अ यूटिलिटी फंक्शन UW इज लॉग W। इन्वेस्टमेंट जेड ऑफर्स अ रिटर्न -18% और 20% विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज इन्वेस्टर ए इज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इफ नथिंग इज इन्वेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट जेड। सो हम लोगों को क्या निकालना है, LN ऑफ वेल्थ लेवल विच इज 100 कितना आ रहा बताओ? हाँ 605। फिर बोलता है व्हाट इज इन्वेस्टर इज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इफ दे एंटायरली इन्वेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट जेड। सो इन्वेस्टमेंट जेड में क्या होगा, या तो 82 होगा, है ना, 100 रुपए में 18% गया, मतलब या तो LN 82 होगा या फिर LN 120 होगा, और ये दोनों का होने का चांसेस क्या है? सो बेसिकली दिस प्लस दिस डिवाइड बाय कितना आ रहा है बताओ, 4.59। बोलता है व्हाट प्रोपोर्शन ए ऑफ वेल्थ शुड बी इन्वेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट जेड टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी, व्हाट इज इन्वेस्टर इज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। अब मेरे को किसको मैक्सिमाइज करना है, मेरे को किसको मैक्सिमाइज करना है, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो मैक्सिमम इनवा वाला कॉन्सेप्ट है, तो पहले मैं एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का एक एक्सप्रेशन बनाऊंगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है, और फिर जाके वो मैक्सिमम मिनिमम वाला पूरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा। ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या होगा, वेल्थ है 100, सो 100 इंटू ए राइट इंटू क्या होगा 0.82 प्लस बोलो 100 इंटू 1 माइनस ए, ये पहला वेल्थ लेवल हो गया LN ऑफ दिस, प्लस 100 इंटू ए इंटू 1.2 प्लस क्या होगा बोलो 100 इंटू 1 माइनस ए, ये पूरा का LN। नाउ दिस होल थिंग विल बी डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ। क्लियर है? अब इस इक्वेशन को मेरे को पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ठीक है, सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आ रहा है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, ये मेरा एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ का एक एक्सप्रेशन बन गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, मेरे को एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है फॉर दैट ए, ठीक है ना। सो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू ए, आई विल पुट दिस इक्वल टू 0 एंड देन आई विल गेट दैट वैल्यू ऑफ ए। सॉल्व करो उसको,
सब लोग सॉल्व करेगा, मैं पहले बोल दिया, सॉल्व करो इसको, सब लोग सॉल्व करिए इसको। सो बेसिकली हम लोग क्या निकालना है, डी डी ए ऑफ ई यू डब्ल्यू, ये हम लोग को सॉल्व करना है। कितना आ रहा बताओ, डिफरेंशिएट करने के बाद में माइनस नाइन बाय क्या आ रहा बताओ, हंड्रेड माइनस एटीन ए प्लस 10 बाय 100 प्लस 20 ए, ठीक है। अब इसको जीरो पुट करने से ए कितना आ रहा है, 0.2। अब हम लोग को मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करने के लिए सेकेंड ऑर्डर भी करना पड़ेगा। सेकेंड ऑर्डर अगर क्या है बताओ, लेस देन जीरो है, इसका मतलब मैक्सिमम एट दैट पॉइंट। अब इसके बाद में हम लोग को कुछ क्वेश्चन में ये भी बोला है, बोलता है व्हाट प्रोपोर्शन ए ऑफ वेल्थ, ये तो ए का आ गया, बोलता है व्हाट इज इन्वेस्टर इज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इफ दे इन्वेस्ट दिस प्रोपोर्शन इन इन्वेस्टमेंट जेड, बोलता है अगर इन्वेस्टमेंट जेड में हम लोग ये लगा रहे हैं तो मेरा क्या हो रहा है। सो दिस इज जीरो पॉइंट, ये आ रहा है ना। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने यहां पर एक एक्सप्रेशन निकाले थे ऑलरेडी, सो उसके लिए जो ए जो है ना इसमें डालो, ए में डालो 0.2777, डाल के निकालो कितना आ रहा है, डाल के तुम बैठेगा नहीं तो भाग, तुम जाओ जाओ घर जाओ, तो करो बैठ के यहां पर, खुद भी नहीं करो दूसरे लोगों को भी डिमोटिवेट। मजाक कर रहे हो, मतलब तुम खाली कॉपी पेस्ट किया है। तुमको पता है ना आशोज गेट में कॉपी चेक होगा,
यहीं बैठा देंगे, देखना बंद करके चले जाएंगे। यहां तक सबको ठीक है? यस और नो? कितना आ रहा है? 4.6066 आ रहा है। कुछ एक्सियम्स है देखो जो हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है? सो सबसे पहला है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या, जैसे जो यूटिलिटी है ना, जैसे वेल्थ तो क्या है 100, 200, 300, बट यूटिलिटी फंक्शन के हिसाब से एक वैल्यू आता है बेसिकली, ठीक है? तो बेसिकली बोलने का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है उसको कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, दोनों का यूटिलिटी निकाल के, फिर तीन का यूटिलिटी निकाल के सो लोग कंपेयर कर सकते हैं। सो कंपेरेबिलिटी वाला फीचर अवेलेबल है। जैसे तुम्हारा हम लोग ये बोल सकते हैं दैट ए इज प्रेफर्ड टू बी, ठीक है? फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं दैट बी इज प्रेफर्ड टू ए, ठीक है? या फिर हम लोग उसमें ऐसा भी बोल सकते हैं दैट ए इज इक्वल टू, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ए और बी दोनों इक्वल है, दोनों का यूटिलिटी इक्वल है, मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है? तो ये पहला फीचर हो गया कंपेरेबिलिटी का। इसके बाद में ट्रांजिटिविटी। ये लिख लो कॉपी में, इफ यू ए इज ग्रेटर देन यू बी एंड यू बी इज ग्रेटर देन यू सी, देन यू ए, मैंने तुम कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं, बोलने का मतलब ये है UA is greater than UC। इसके बाद में नंबर थ्री इज इंडिपेंडेंस। बोलते हैं इफ UA इज इक्वल टू UB देन इंटू यू ए प्लस वन माइनस पी इंटू यू सी इज इक्वल टू पी इंटू यू बी प्लस वन माइनस पी इंटू यू सी। इसका बोलने का मतलब क्या है? बोलता है इन्वेस्टर इज इनडिफरेंट बिटवीन टू सर्टेन आउटकम्स ए एंड बी। तो बोलता है अगर वो इन दोनों के बीच में इनडिफरेंट है तो वो इन दोनों के बीच में भी इनडिफरेंट होगा, ठीक है? इसका मतलब क्या है? देयरफॉर द चॉइस बिटवीन एनी टू सर्टेन आउटकम्स is independent of all other certain
आउटकम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला। सर्टेंटी इक्विवेलेंस, देखो जैसे एक जॉब है, ठीक है, मेरा जॉब क्या है, पढ़ाना। स्टार्ट जब मैंने किया था तो मैं घर जाके पढ़ाता था, मेरे को 500 मिलता था। आज मेरे को नहीं पता था कि मेरे को 10 साल बाद 5 करोड़ रुपए साल का रेवेन्यू आएगा, तो मैंने ये रिस्क लिया। अगर आप लोग में भी है हिम्मत तो आप लोग सब भी आ सकते हैं मैदान में, मैं तैयार रहूंगा हमेशा, ठीक है। टीचिंग में नहीं, मतलब और कोई टाइप के बिजनेस में, ठीक है। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये 500 से 5 करोड़ 12-13 साल लग गया, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस है, तुमको अगर उसको अच्छे से करना है तो तुमको उसको टाइम देना पड़ेगा, रश नहीं करना पड़ेगा, बेबी स्टेप्स, ऐसा सब बेसिक चीज है। पाथवे सबको पता है बट रास्ता बहुत कठिन है। तो ये एक टाइप का जॉब हो गया। मान लो अगर मैं उतना अच्छा फ्लरिश नहीं करता तो कितना कमाता, 10 लाख 5 लाख। जिसका दुकान में भीड़ है भैया, सब लोग वहीं पढ़ना चाहता है। भीड़ नहीं है तो खाली है, बाकी सब एडवर्टाइजिंग है, फूला हुआ है, सुन लो हमसे, ठीक है ना, यही है असल कहानी। तो ये एक चीज हो गया। वर्सेस अगर आज मैं जॉब कर रहा था तो तुम लोगों को क्या लगता है, मैं 10 लाख कमाता, 40 से 50 लाख मेरा जॉब में भी हो जाता। अब जिसे बोलने का मतलब क्या है, इसमें ना बहुत झमेला है। झमेला क्या है सर, आप कैसा बात कर रहे हैं, हम लोगों को झमेला लगता है। हाँ, झमेला क्या है, किताब सब, किसी का वीडियो नहीं चल रहा है, कोई मैकबुक खरीद लेता है, विंडोज में आता जाता है ना, सो मैकबुक खरीद ली। अब सामने तुमको प्यार ही दिखाना पड़ेगा ना, बट मन में तो मैं बोल रहा हूं क्यों बहन क्यों, तो बोले मतलब वीडियो नहीं चल रहा है, ये डाउट है, ऐसे मैंने माइंड ऐसा कि मैं फ्री नहीं हुआ मेरा, ऐसा नहीं रहा कि मैं आधा घंटा एकदम बस रिलैक्स, ऐसा नहीं लगा। मतलब ऐसे हमेशा खन सा बना हुआ रहता है दिमाग में, टेंशन सा रहता है। मतलब फिर अभी ये टर्म चल रहा है, अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे, वैसे तो रिस्क सा रहता है। तो मैं बोला कि मेरे को ना ये झगड़ा नहीं करना है, मैं बोला एक सर्टेन लेवल ऑफ वेल्थ बताइए जो आप मेरे को ऑफर कर सकें, तो मैं ये झमेला छोड़ के मैं आपके पास में आ जाऊंगा। सो दैट इज सर्टेनिटी इक्विवेलेंस। मतलब ये तो एक टाइप का गैम्बलिंग है ना, इसमें तो कुछ भी हो सकता है रेवेन्यू। कोई श्योरिटी है कि अगला बार 5 करोड़ रुपए ही आएगा, बताओ पहले किसको लगता है श्योरिटी है, पहले ये बताओ, तब तो इसको एक बार आना ही चाहिए। कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है ना। नाम बनाने में सालों लग जाते हैं, गवाने में सिर्फ वो एक मौका। तो इसीलिए कोई सर्टेनिटी नहीं है इसका, ठीक है, कब किस्मत मोड़ लेगा पता नहीं। इसलिए मैंने बहुत सारे सेफ एसेट्स बना के रख, मजाक कर यार, ऐसा कोई बात नहीं है, ज्यादा बसता नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली बोलने का मतलब ये एक टाइप का गैम्बलिंग है। बिजनेस रिस्क है, रेवेन्यू उतना श्योरिटी नहीं है, गैम्बलिंग है। कि भाई मैं बोला कम से कम 5 लाख से लेकर के सालाना 5 करोड़ तक यहां पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर क्या है, मैं बोला एक सर्टेन लेवल ऑफ वेल्थ बताइए ताकि हम ये सब टेंशन नहीं लेंगे। अब हम दिमाग में रात में हमको चाहिए चैन का नींद, हमको चाहिए मेरा सैटरडे संडे ऑफ, ठीक है, और लैपटॉप बंद मतलब बंद, ठीक है। तो बेसिकली वो बोला सर ये कुछ कैलकुलेट किया मेरा रिस्क प्रेफरेंस के हिसाब से, वो कैलकुलेट करके 70 लाख पे आया। सो बेसिकली दिस इज द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, मतलब ये सर्टेन लेवल ऑफ वेल्थ के लिए मैं ये गैम्बल छोड़ दूंगा, ये सर्टेन लेवल ऑफ वेल्थ के लिए मैं ये गैम्बल छोड़ दूंगा, बाकी तीन तो बेकार है, यही है रस। और एक एग्जांपल, जैसे मान लो मेरे भैया, ठीक है, भैया बोलते हैं मेरे को इंश्योरेंस का कोई दरकार नहीं है, मैं हूं मैं बोला मैं इंश्योरेंस लूंगा, मेरा 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, मेरा प्रीमियम जाता है कितना जाता होगा, 25,000 रुपए जाता होगा शायद, कुछ राइडर वाइडर है, ठीक है। भैया ने अपने लाइफ को खुला छोड़ रखा है, ठीक है। सो बेसिकली इंश्योरेंस घर का होता है, गाड़ी का होता है, इंसान के जीवन का होता है। हम लोग जब घर लिए थे तो उस समय क्या हुआ था कि वो बोला सर आपको लोन तभी पास करेंगे जब आप हमसे ये होम का इंश्योरेंस लेंगे। उसका वो क्या किया, हम लोग से 1 लाख रुपया प्रीमियम ले लिया,
कुछ एक प्रीमियम लिया था, काफी हैवी अमाउंट था, तो वो बोला था सर अभी आप करा लीजिए, आपका घर का लोन पास हो जाएगा तो फिर आप रिवोक करा सकते, आपको पैसा मिल जाएगा, ऐसा कुछ वो बोला था। तो भैया बोले ठीक है, वो फिर फोन वन मिला उठाया नहीं, तो भैया रिवेल आदमी है, भैया चले गए उसको ऑफिस में, यहीं पर था ऑफिस, एक दिन गए भैया अकेले गए थे, तो उस दिन बोला आज वो आया ही नहीं, लेकिन वो था अंदर काम कर रहा था, ठीक है, दूसरे दिन नहीं गया भैया के साथ, वह बोले आज जब तक मेरे को मेरा पैसा नहीं मिलेगा मैं यहां से नहीं उठना। अब वो अंदर है तो वो कुछ वॉशरूम वगैरह के लिए तो बाहर आएगा, तो दो तीन घंटा तक तो ड्रामा चला, फिर वो बोला सर आप जाइए आज आपका काम हो जाएगा। तो बेसिकली होम इंश्योरेंस में भी घर में बहुत सारे पेरिल्स होते हैं, पेरिल मतलब कुछ भी बाढ़ वाड़ कुछ भी आया, घर का डिस्ट्रॉय, बहुत सारा उसमें कवर्ड रहता है कि आपका घर एकदम सेफ रहेगा, आप अपना होम का इंश्योरेंस ले लीजिए, ठीक है ना। सो बेसिकली माय ब्रदर इज ऑफ द ओपिनियन कि मेरे को ये नहीं चाहिए। अब एक चीज समझो, ये जो इंश्योरेंस है 1,00,000 रुपया, अब अगर मान लो कोई एक पेरिल आता है जो मेरे घर को इंपैक्ट करता है, कोई एक पेरिल आता है जो मेरे घर को इंपैक्ट करता है, उससे जो खर्चा होगा वो खर्चा अगर इंश्योरेंस नहीं लिया तो मेरे को देना पड़ेगा, और अगर इंश्योरेंस लिया तो कौन देगा, कंपनी। सो भैया का जो वेल्थ है भी टोटल में 10 करोड़ के आसपास का है, तो भैया बोलते हैं कि मेरे को ये 1,00,000 रुपये खर्चा नहीं करना है, वर्सेस मेरे को ये 1,00,000 रुपये भी खर्चा करना है। तो अगर ये 1,00,000 रुपये खर्चा करेंगे तो उनके वेल्थ से 1,00,000 रुपये निकल जाएगा, उनके वेल्थ से ये 1,00,000 रुपये निकल गया, अब वो जो सर्टेन लेवल ऑफ वेल्थ है, घर पे कोई भी टाइप का पेरिल होगा तो वो खर्चा कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी देगा। सो ही टुक द इंश्योरेंस टू अवॉइड द गैम्बल, ओके, वर्सेस भैया खुला छोड़ दिए, भैया खुला छोड़ दिए, भैया बोले मेरे को मेरा पैसा दो, मेरे को मेरा पैसा दो, मेरे को कोई भी टाइप का इंश्योरेंस नहीं चाहिए। सो इज रेडी टू एक्सेप्ट द गैम्बल, ही इज रेडी टू एक्सेप्ट द गैम्बल बिकॉज ही फील्स That this 1,00,000 rupees is too high a premium to be paid for home insurance. भैया का फट्टा कम है, जिसका फट्टा ज्यादा है वो क्या करेगा, लाख के जगह 1,50,000 रुपए भी देगा, भाई बाबा कुछ हो गया तो, ठीक है, मेरा फट्टा ज्यादा है इसलिए मैं अपना लाइफ का सब कुछ एकदम प्रॉपर एनपीएस और वो सब सब करा के रखा हूं। So, ये इन्वेस्टर का रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुला छोड़ेंगे, सुबह से तो एक ही बात कर रहे हैं कि आप खुला छोड़ेंगे कवर करेंगे, भैया बताइए इंश्योरेंस क्या है, एक प्रीमियम जो मैंने दिया टू अवॉइड द गैम्बल। दो टाइप का जॉब ऑफर आएगा तुम्हारे पास, एक में 5,00,000+5,00,000 बोनस, ये वेरिएबल है, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000 कुछ भी हो सकता है, और एक है 7,00,000। तुम क्या लेगा, तुम जो लेगा वो तुम्हारा रिस्क प्रेफरेंस बताता है। तुम अगर ये ले रहा है मतलब यू आर एक्सेप्टिंग द गैम्बल, मतलब ये 7,00,000 सर्टेन तुम्हारे लिए इनफ नहीं है टू अवॉइड द गैम्बल। यही वो बोलेगा 7,00,000 छोड़ो, 8,00,000 तुम्हारा पैर डगमगाएगा, यही वो बोलेगा 8,50,000 तुम बोलेगा चलो डन करो, कौन झमेला में जाएगा। सो कितना सर्टेन लेवल ऑफ वेल्थ डिपेंड करेगा तुम्हारा रिस्क प्रेफरेंस पे, कि तुम कितना फटता है तुम्हारा। दो टाइप का लोग होता है, एक मेरे जैसा, ठीक है, और एक किसी और के जैसा। पैसा जैसे बढ़ा, ठीक है, पैसा को छाती से लगा लिया, बोला नहीं 1 रुपया भी नहीं देंगे अब किसी को भी, इसको जाके डालूंगा बॉन्ड में, जीवन का मेरा यही सार है जीने का। वो और फट्टू हो गया, पहले जीवन में रिस्क लेके पैसा बनाया, जैसे जैसे पैसा बढ़ा, होना क्या चाहिए, वंस यू अर्न मोर एंड मोर मनी, जो मार्जिनल यूटिलिटी है पैसा से वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बट बढ़ जाता है, समझा, बढ़ जाता है मतलब पहले लगाया 20% इक्विटी में, पैसा और बनाया, फिर 10% इक्विटी में और पैसा बनाया, 5% में, और अभी 0% इक्विटी में लगाता है। क्यों? क्योंकि वो कमा लिया 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया को अब 10% पे लगाएगा, 1 करोड़ रुपया साल का ब्याज आएगा, बस उसको कुछ नहीं करना जीवन में और, पट्टू, ठीक है ना। मेरा जैसा आदमी, हम कमाया मेरा बैंक में, तुम लोगों को लगता होगा मेरे पास कितना ही पैसा है, बट आई लव टू टेक ऑन द चैलेंजेस इन लाइफ, आई लव टू टेक ऑन द रिस्क इन लाइफ, ठीक है ना।
हम लोग और फॉरेन कोर्स का पढ़ाई किया, अभी इसमें और बच्चों लोग का एडमिशन लेंगे और पैसा कमाएंगे, ठीक है, हम लोग दिल्ली बॉम्बे सब जगह जाएंगे अभी, ठीक है, क्या है, पैसा दोबारा आ जाएगा भाई, ठीक है, वी बिलीव इन दोस कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, मेरे को पता है एक जो बेसिक है, ठीक है, लाल माटी वाला जमीन में मेरा जन्म हुआ था, लाल माटी तुम लोग कभी देखा भी नहीं होगा, मोजैक, अभी वो भी अच्छा होता है, लाल माटी मतलब प्लेन लाल सपाट, तो खोने को कुछ भी नहीं है जीवन में, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग लाइफ में रिस्क लेना जानता है, लेकिन हाँ रिस्क भी क्या, कैलकुलेटेड रिस्क, आज मैंने इतना खर्चा किया, मेरे को लगता है मैं कुछ पॉजिटिव डिराइव कर सकता हूं इससे, तभी मैं खर्चा किया, तो ये इंसान का रिस्क प्रेफरेंस डिपेंड करता है कि तुम पैसा कहां रख रहा है, तुम एकदम सेफ डिपॉजिट पे रख रहा है, तुम गोल्ड में लगा रहा है, तुम बॉन्ड में लगा रहा है, तुम कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगा रहा है, तुम किस में लगा रहा है पैसा, तुम इक्विटी में लगा रहे, म्यूचुअल फंड में लगा रहे, कि तुम जुआ फटका कर रहा है ऑप्शन में, ये तुम्हारा रिस्क प्रेफरेंस बताता है, ठीक है ना, सो ऐसा जरूरी नहीं है पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर तुम एकदम रिस्क लविंग हो जाएगा, रिस्क एवर्स आदमी और रिस्क एवर्स हो जाता है पैसा बढ़ने से, डिपेंड करता है तुम्हारे रिस्क कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर में, तो बेसिकली ये जो फोर्थ पार्ट है यही है इसमें यूटिलिटी में पढ़ने के लिए कि वॉट ये जो है ना सर्टेनिटी इक्विवेलेंस, मतलब कितना सर्टेन लेवल ऑफ वेल्थ मेरे को चाहिए या फिर मैं दूंगा टू अवॉइड द गैम्बल। हम इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया, प्रीमियम देने से क्या हुआ, मेरा वेल्थ सर्टेन हो गया, अब कोई भी डर का पेरिल मेरे घर पे एक्ट करे, मेरे गाड़ी पे एक्ट करे, मेरे जीवन पे एक्ट करे, ठीक है ना, सो माय लेवल ऑफ वेल्थ विल बी सर्टेन, ठीक है, माय लेवल ऑफ वेल्थ विल बी सर्टेन, आई हैव अवॉइडेड द गैम्बल, टू अवॉइड द गैम्बल आई पेड द प्रीमियम। और अगर मान लो जॉब वगैरह में क्या होगा, कितना पैसा मैं सर्टेन लू टू अवॉइड दोस काइंड ऑफ गैम्बल, जॉब वर्सेस बिजनेस ब्रो, जॉब वर्सेस बिजनेस, ठीक है ना, ये था सर्टेनिटी इक्विवेलेंस। तो इसका लिख लो, इसका लिख लो, यू ए इज ग्रेटर देन यू बी इज ग्रेटर देन यू सी, सो दिस विल बी पी इंटू यू ए प्लस 1 माइनस पी इंटू यू सी इज इक्वल टू यू बी, ठीक है, ठीक है, आइए इसके बाद में नॉन सैटिएशन, नॉन सैटिएशन एज द वर्ड सजेस्ट, आगे मत देखो बहन, आगे मत देखो, उसे कुछ नहीं होगा, कितना है पन्ना उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, नॉन सैटिएशन, तुमको मतलब पहले मेरे को लगता था कि ये सब ऐसे ही है, एक टॉपिक हटा दिया गया है, बिहेवियरल फाइनेंस चैप्टर नंबर 3, जब मैंने घर लिया तो उस समय माइंडसेट ये था कि पैसा कमाओ और बैच पढ़ाओ और लोन चुकाओ, ठीक है ना, सो उसमें एक टॉपिक था मेंटल अकाउंटिंग बोल के, मेंटल अकाउंटिंग का मतलब क्या था, ऐसा नहीं था कि मैं बस पैसा नहीं था, आई हैड इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड्स, बट जब मैंने घर लिया, जब से लोन आया माथे पे 2 करोड़ रुपए का, तो ये था कि भाई सारा पैसा पहले निकालो, लोन क्लियर करते हैं, बात तो एक ही था, सोच के देखो, बात तो एक ही था, पैसा म्यूचुअल फंड में बॉन्ड में था और यहां ब्याज जा रहा था, म्यूचुअल फंड पैसा कमा के देता और यहां पर ब्याज लग रहा था, मोटा मोटी बात सेम था, हो सकता है म्यूचुअल फंड अगर अच्छा परफॉर्म करता तो लॉन्ग टर्म में मेरा अच्छा होता, मैं ज्यादा पैसा से, बट वो इंसान का माइंडसेट नहीं होता, घर पे जिसके भी घर पे लोन होगा, ऑलमोस्ट सबके घर पे होम लोन कोई बिजनेस लोन ले रखा होगा, पूछना पापा का माइंडसेट क्या होगा पता है, कि पहले लोन क्लियर करते, जो आदमी के मन में पाप नहीं होगा ना पहले यही सोचेगा पहले लोन क्लियर, क्यों, क्योंकि मेंटल अकाउंटिंग, हम लोग को फ्री होना है लाइफ में, और जिस दिन मैं अपने सेंटर का लोन चुकाया उसके बाद मैंने लाइफ में खाली रिस्क ही लिया, क्यों, मेरे को यह पता है कि आपको मेरा टेंशन नहीं माता, मैं किसी का 1 रुपया देना नहीं है मेरे को, समझता है, ये सब इसमें सिखाता है। नॉन सैटिएशन का मतलब क्या है, इन्वेस्टर्स विल ऑलवेज प्रेफर मोर टू लेस, मोर टू लेस का मतलब क्या है, यू डैश डब्ल्यू विल बी ग्रेटर देन जीरो, लिखो यू डैश डब्ल्यू विल बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है,
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ विल बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। कभी किसी को यह नहीं बोलेगा कि पैसा आता हुआ को मना कर दिया, बोला मत दीजिए पैसा प्लीज, बहुत है मेरे पास, अगर आज आप पैसा दे देंगे तो मेरा यूटिलिटी कम हो जाएगा, ठीक है ना। सो बेसिकली बोलने का मतलब क्या है, एक बार डिफरेंशिएट करते तो याद आ रहा है ना, एक बार डिफरेंशिएट, डबल डिफरेंशिएट, एक बार डिफरेंशिएट किए तो क्या मिल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ, मतलब मेरा वेल्थ में एक रुपया ऐड हुआ तो अच्छा बात है, कोई बोलेगा एक रुपया ऐड मत हो खर्चा ज्यादा लग जाएगा, नहीं ना। सो मार्जिनल, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, ठीक है। अब एक चीज समझना, ठीक है, ऐसा तो ठीक है। अब उसके बाद में अब हम लोग स्टडी करेंगे रिस्क एवर्जन, रिस्क एवर्जन मतलब समझते हैं क्या होता है, रिस्क दूर हटो, जा रिस्क जा, रिस्क एवर्जन, रिस्क एवर्जन बढ़ना मतलब रिस्क दूर जा और दूर जा, रिस्क एवर्जन गिरने का मतलब क्या है, आजा रिस्क आजा। तुम लोग को कभी कभी लाइनिंग में हमेशा ऐसा बोलेगा रिस्क एवर्जन हैज गॉन डाउन, इसका मतलब क्या है, तुम थोड़ा सा रिस्क सीकिंग हुआ है, रिस्क एवर्जन हैज गॉन डाउन, समझ रहे है? ठीक है, तो रिस्क एवर्जन तीन टाइप का होता है, एक होता है रिस्क सीकिंग जो क्या बोलेगा आजा रिस्क आजा, रिस्क न्यूट्रल जिसको रिस्क से फर्क पड़ता ही नहीं है उसके लिए सुख दुख एकदम समान है, ठीक है ना। और एक होता है रिस्क एवर्स, रिस्क मेरे से दूर जाओ, मेरे पास कभी ना आना, ठीक है। अब इसका मतलब क्या समझो, मैंने सबसे पहले क्या बोला रिस्क एवर्स, ठीक है। अब देखो तुम लोग को दिखाता हूं तब तुम लोग को समझ में आएगा, तुम मेरे को क्या दिखाएगा, हम तुमको दिखाते हैं, ठीक है। रिस्क एवर्स, अरे वो सब छोड़ दे, वो सब छोड़ दे, वो सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये देखो ये मैंने बनाया, कुछ ऐसा बनाइए, ठीक है। पहले बार मैं बना लेता हूं, मैं समझ लेता हूं, ठीक है। ये ऐसे बनाया फिर देख नहीं रहे, बस देख रहे का सही है ना, ठीक है। सो बेसिकली ये हुआ और यहां पर ये ऐसे, ठीक है। पैसा आने को मैं ग्रीन से कर देता हूं, पैसा जाने को मैं लाल से कर देता हूं, ठीक है। सो दिस इज W, दिस इज W प्लस वन, दिस इज W माइनस वन, ठीक है। ये हो गया मेरा वेल्थ का और ये हो गया मेरा यूटिलिटी ऑफ वेल्थ का, ठीक है। देखो रिस्क एवर्स, तो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर क्या बोलेगा, तुम जैसे मान लो कोई पापा के पास प्रपोजल लेके जाओ, बोलो आज हम सीख के आए हैं ऑप्शन हमको करना है, हमको 1,00,000 रुपए दीजिए, वहां से जो रिप्लाई आएगा हमको मत बताना, ठीक है। मतलब आई नो यू ऑल नो क्या रिप्लाई आने वाला है, ठीक है। सो बेसिकली रिस्क एवर्स पता है, तुम पापा को ऐसे बोला, बोला आज हमको 1,00,000 रुपए दीजिए, ठीक है, ऊपर तरफ 5,00,000, बोले सर आज सिखाना चालू किए हैं तो 2 महीना में हम पूरा सीख जाएंगे और तब तक 5,00,000, बोलेंगे वो सब छोड़ो नीचे का बताओ, यही बोलेगा ना, ये 5,00,000 की जगह तुम 50 भी बोल दो, तुम 150,000 कुछ भी बोल दो, बोले नीचे का बताओ, समझ रहे ना बात को। ऐसा तो बहुत सारा आता है, आपका 1 करोड़ का लॉटरी खुला है, पे करिए जीएसटी खाली। अरे एक बार क्या हुआ था, मेरा एक स्टाफ था, वो जो कॉल वॉल नहीं आता जो मैंने बताया था मत करिएगा, उसको बोला सर हम लोग दिन का 2 गोल्डन कॉल देंगे, ये गोल्डन कॉल देने का दाम है 2,00,000 रुपए आपके लिए फ्री, अभी खाली 5,000 रुपए आपको देना है, वो 5,000 रुपए दे दिया बेचारा, 15,000 स्टाफ कमाता था, दे दिया 5,000 रुपया। एक्चुअली बच्चा का फीस आया था और CT8 का ही आया था, तो इसलिए तो कैश वैसे अभी सब बंद कर रहे हैं, मतलब समझ रहा है, बहुत पुराना बात है, तो फीस लाया 5,000 रुपए पहले डाल दिया उसका, मैं हमको बोला सर आज हम घर जा रहे हैं, मैं माता था दुकान, ठीक है भरोसा वाला था। तो उसके बाद उसको बोला
कि आपने तो फीस पेमेंट किया है, अभी जीएसटी दीजिए 2 लाख पे, 2 लाख का 18% कितना होता है, समझ आया? बोला इतना जीएसटी पेमेंट कीजिए, फिर आपका गोल्डन कॉल चालू होगा, वो काम ही छोड़ दिया फिर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे स्कैम होता है आज के दिन पे। तो ये जो है ना, ये इससे रिस्क एवर्स को इससे मतलब नहीं है, ये सबसे कोई मतलब नहीं है। आज ऑप्शन में क्या है, तुम खरीद लो, सबको ही तो पता है इलेक्शन है, नरेंद्र मोदी जी बोले इलेक्शन में मार्केट बढ़ेगा, आप निफ्टी पे खरीद लीजिए ऑप्शन, समझ रहे हैं? करंट जो चल रहा है निफ्टी 24,000-25,000 जो भी चल रहा है, मेरे को पता नहीं कितना से 22,000-23,000 जो भी चल रहा है, आप उसका पूरा 1,00,000 रुपए का ऑप्शन खरीद लीजिए, समझ रहे हैं? श्योर शॉर्ट अपसाइड है, बोले बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा भाई, 1,00,000 रुपए का अगर ऑप्शन ले लोगे तो पागल हो जाएगा, फिर तो पैसा गिनते पागल हो जाएगा, ठीक है। बोले ऐसा नहीं, डाउन साइड बताओ, रिस्क एवर्स मतलब क्या, बोले डाउन साइड बताइए कितना है, ठीक है ना। सो रिस्क एवर्स वही है जिसको 1 रुपया खोने का जो दुख है, खोने का दुख इज ग्रेटर देन 1 रुपया कमाने का सुख, समझते हैं? 1 रुपया खोने का जो दुख है देखो ज्यादा है, 1 रुपया कमाने का जो सुख है, मतलब दुख ज्यादा, नेट नेट क्या है, दुख है, इसीलिए रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है, समझ गया? ऐसे टाइप का इन्वेस्टर कभी भी फेयर गैम्बल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। फेयर गैम्बल मतलब क्या, आने को 5 लाख जाने को 5 लाख, बोला दूर हट, नहीं करेगा वैसे टाइप का गैम्बल, कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। क्यों, 1 रुपया खोने का जो दुख है और 1 रुपया कमाने का जो सुख है, नेट नेट इसको क्या होगा, दुख होगा, इसीलिए कभी भी फेयर गैम्बल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। रिस्क एवर्स मतलब क्या, ये रिस्क एवर्स का डेफिनेशन है, मैंने नेट नेट इसका दुख ज्यादा होगा, इसके लिए U"W विल बी लेस देन जीरो। इसका जो फंक्शन है दैट इज कॉनकेव, मैंने समझ लिया, इसके पास 1 करोड़ रुपया है, तुम उसको बोलेगा सर 1,00,000 रुपया आ भी सकता है जा भी सकता है, तो उसको नेट नेट दुख होगा ऐसे टाइप का गैम्बल में, इसलिए वो ऐसा गैम्बल में एंटर नहीं करेगा, क्योंकि 1 रुपया खोने का जो दुख है वो ज्यादा है 1 रुपया कमाने का सुख से। इंग्लिश में बोले तो एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम विनिंग द गैम्बल इज लेस देन द लॉस ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम लूजिंग द गैम्बल, ठीक है। कॉपी कर लो ओला, हाँ तुम लोगों का सबका चेहरा का रंगत क्यों उतर गया है, क्या हो तुम लोग, बोलो, पानी वानी पियो, ठीक है। एक चीज बोल सकते हैं क्या, एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम विनिंग, एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम विनिंग इज लेस देन पैसा खोने से, राइट? ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ये क्या है, विनिंग का है ना, अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं तुम लोग, ये विनिंग का है, ये क्या है, अब जैसे देखो फटाफट से देख लो, जो रिस्क न्यूट्रल होगा उसके लिए क्या बोल सकते हैं, U"W इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, इसका ग्राफ हम लोग कुछ ऐसा बनाएंगे, राइट? हाँ, तो इस केस में क्या बनेगा, समझ गया ना, इसका एकदम सेम होगा, मैंने ये वाला और ये वाला दोनों एकदम सेम होगा, समझा? और एक और है जो है रिस्क सीकिंग के केस में क्या होगा,
मैंने ये लाइन थोड़ा सीधा हो गया, मैं दोबारा बना देता हूं। मैंने समझ गया ना, मैंने यहां पर क्या होगा, नेट नेट क्या होगा, यहां पर क्या होगा, सुख इज इक्वल टू दुख, और यहां पर क्या है, नेट नेट सुख इज ग्रेटर देन, तो ये वाला फेयर गैम्बल को एक्सेप्ट करेगा, ये इनडिफरेंट होगा और वो फेयर गैम्बल को रिजेक्ट करेगा। दिस इज लीनियर, दिस इज कॉन्वेक्स, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 5 लाख का या तो 10 लाख होगा या फिर 0 होगा, इक्वल प्रोबेबिलिटी, रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है, बताओ करेगा कि नहीं करेगा एक्सेप्ट, क्योंकि एक फेयर गैम्बल है, राइट, फेयर गैम्बल को रिस्क एवर्स कभी भी नहीं करेगा, रिस्क न्यूट्रल इनडिफरेंट है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, रिस्क सीकिंग हमेशा करेगा, यह दिया हुआ पेज नंबर 13 में। ठीक है, याद है सबको, ठीक है, बोलो यस और नो। नॉन सैटिएशन क्या था, नॉन सैटिएशन क्या था, इन्वेस्टर्स विल ऑलवेज प्रेफर मोर टू लेस। आइए पेज नंबर 15 में आइए, सुनो, हम लोग ने सर्टेंटी इक्विवेलेंट पढ़ा ना, वही अभी हम लोग यहां पर सीखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग के पास एक वेल्थ लेवल होता है, हम लोग फिर क्या करते हैं, गैम्बल में एंटर करते हैं, तो गैम्बल मतलब क्या, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, तो गैम्बल मतलब क्या, हम लोग निकालेंगे मेरा जो वेल्थ लेवल है उसका यूटिलिटी और फिर उसका एक्सपेक्टेशन, और फिर उसको मैं एक सर्टेन लेवल ऑफ वेल्थ के साथ कंपेयर करूंगा। याद है वो जो सर्टेंटी इक्विवेलेंट वाला जो चीज था, वो निकालेंगे, देखो कैसे, देखो उसको निकालेंगे कैसे, ध्यान देना, पेज नंबर 15 में जो एग्जांपल है देखो, सपोज दैट एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड, यही है सार, यही है पूरा चैप्टर का, सपोज दैट एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड वंस एंड अ गैम्बल एग्जिस्ट इन विच एन इन्वेस्टर रिसीव्स वन इफ इट लैंड्स अप हेड्स बट लूजेस वन इफ इट लैंड्स अप टेल्स, फर्दर अज्यूम दैट इनिशियल वेल्थ 10 है, यूटिलिटी हम लोग को दे दिया है क्या, UW इज इक्वल टू रूट अंडर W, तो क्या क्या हो सकता है, या तो प्लस वन होगा फिर माइनस वन होगा, सो 10 में या तो प्लस वन होगा विच इज 11, 10 में माइनस वन होगा विच इज 9, तो मेरा यूटिलिटी का लेवल क्या क्या हो सकता है, रूट अंडर 11 एंड रूट अंडर 9, और दोनों का होने का संभावना क्या है, 50% 50%, चीज समझो, इनिशियल लेवल ऑफ वेल्थ था 10, उसमें या तो एक रुपया आएगा फिर एक रुपया जाएगा, तो मेरा पहले वेल्थ लेवल क्या होगा, 11 और 9, वेल्थ लेवल निकल गया तो मैं यूटिलिटी के लेवल्स निकाल सकता हूं, रूट 11 रूट 9, ठीक है ना, सो ये जो मेरा आएगा, ये जो मेरा आएगा प्लस करने से, ये जो मेरा आएगा, दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ यूटिलिटी ऑफ योर करेंट वेल्थ, चीज समझो, इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा जो इनिशियल वेल्थ है वो भी है और तुम्हारा गैम्बल भी है, यस और नो, समझा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा, दिस इज बेसिकली यू ऑफ सी डब्ल्यू, व्हाट इज सी डब्ल्यू, सी डब्ल्यू इज व्हाट, इनिशियल वेल्थ, कॉपी करो यहां तक, इनिशियल वेल्थ प्लस द गैम्बल, इनिशियल वेल्थ प्लस द गैम्बल,
ये कितना आ रहा बताओ तो, यहां तक पहले आराम से कॉपी कर लो। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है इसका आंसर, 3.15। सो दिस इज व्हाट, रूट ऑफ सी डब्ल्यू। सी डब्ल्यू का मतलब क्या है, वेल्थ प्लस द गैम्बल। तो यहां से सी डब्ल्यू निकालिए कितना आ रहा है, 9.975। सो खाली सी एक्स निकालना, व्हाट इज सी एक्स, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट ऑफ द गैम्बल अलोन, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट ऑफ द गैम्बल अलोन। सी एक्स का मतलब क्या होता है, लिख लो, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट ऑफ द गैम्बल अलोन। सो गैम्बल अलोन सी एक्स इज वॉट, सी डब्ल्यू विच इज सर्टेनिटी इक्विवेलेंट ऑफ इनिशियल वेल्थ प्लस द गैम्बल माइनस द इनिशियल वेल्थ। सो इट इज 9.975 माइनस 10, कितना आ रहा बताइए, कितना आ रहा बताइए, माइनस 0.0251। इससे पता है क्या समझ में आता है, जो बच्चा बता दिया ना, मतलब वो अभी तक सारा चीज सुना है। अब हम लोग चालू करेंगे एकदम पीछे से, माइनस 0.0251, ठीक है ना। अब हम लोग चालू करेंगे यहां से, यस यू बोलो, ट्राई करो एटलीस्ट कुछ तो बोलो, ट्राई करो बोलो। गैम्बल अवॉइड करने के लिए क्या, तो उसको उतना देना पड़ेगा, गैम्बल अवॉइड करने के लिए उसको उतना देना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, तुम बोलो। ऑनलाइन में बच्चे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, अपना पेशेंस को थोड़ा बढ़ाइए, ठीक है ना, ये कोई छोटा मोटा पेपर नहीं है, सीएम टू का पेपर है। बोलो, यस बोलो, तुम बोलो, तुम बोल। गैम्बल अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो किसको, किसको मतलब चीज समझो, यहां पर एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है, हो सकता है वो रिस्क सीकिंग हो, सकता है वो रिस्क न्यूट्रल हो, ठीक है। हाँ आप तुम बोल, कौन किसको देगा, मतलब हमको ये चीज समझ में नहीं आ रहा क्लियरली, गैम्बल वाले को इन्वेस्टर को देना पड़ेगा किस चीज के लिए, गैम्बल वाला इन्वेस्टर को देगा, क्यों देगा, ठीक है तुम बोलो, एक बोलो, तुम बोलो, ना करे तो मिलेगा, तुम बोल, तुम बोल, तुम बोल, तुम बोल, तुम बोल क्या सेम बोल, गैम्बल करने के बाद उसका वेल्थ क्या हो रहा है, गैम्बल करने के बाद उसका वेल्थ ये हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हम अपना घर में शांति से थे 10 रुपए लेके, तुम आया मेरे पास, देखा है वेलकम, देखा है वेलकम में, देखा है, बोला सुबह से मज्जू मज्जू क्या लगा रखा है,
मैं लाया तू लाया, तुम तो अपना घर में थे 10 रुपए लेके, तू आया मेरे पास ऑफर लेके कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है प्लस वन माइनस वन, अल्टीमेटली गैम्बल करने के बाद उसका वेल्थ क्या हो जाएगा 9.9। तो अगर उसको ये गैम्बल करवाना है तो उसको उतना रुपए चाहिए होगा, क्योंकि वो अपना इनिशियल वेल्थ को क्यों खराब करेगा भैया। ठीक है, समझो, गैम्बल करने के बाद उसका वेल्थ क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। अगर वो गैम्बल में एंटर करेगा तो उसको इतना रुपए देना पड़ेगा, और अगर वो चीज समझो, इसको इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह सोचो, एकदम बेस्ट ये जो है इसको इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह सोचो। इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब क्या, वो इतना रुपए देगा, बोले भैया रखिए और मेरे को नहीं करना है भाई ये सब, वो इतना रुपए दे देगा, बोलेगा भैया रखिए मेरे को ये सब नहीं करना है। इन्वेस्टर विल पे दिस टू अवॉइड द गैम्बल, क्योंकि गैम्बल करने के बाद उसका वेल्थ लेवल क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेड इतना हो रहा है। सो दो तरीके से इसका मतलब निकल के आ सकता है, दिस इज द प्रीमियम दैट ही और शी इज विलिंग टू पे इन ऑर्डर टू अवॉइड द गैम्बल, और इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट द गैम्बल दे नीड्स टू गेट इतना रुपया, बिकॉज द इन्वेस्टर इज वॉट रिस्क एवर्स। नेचर से समझ में आ रहा है ना भाई, क्योंकि वो फेयर गैम्बल कर रहा है और फेयर गैम्बल करने के बाद उसका वेल्थ लेवल डिस्ट्रॉय हो रहा है। वेल्थ लेवल बोल रहा हूं बार बार, सॉरी, यूटिलिटी ऑफ वेल्थ डिस्ट्रॉय हो रहा है। गैम्बल करने के, देखो ये फेयर गैम्बल है, दिस इज प्लस वन एंड माइनस वन, तो ये वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर। करने के बाद हो क्या रहा है, देखो ना 9.975 हो जा रहा है। ये जो यूटिलिटी का जो फंक्शन लिया, दिस इज फॉर रिस्क एवर्स इन्वेस्टर। ठीक है, लिखो, इन्वेस्टर, ये देखो नीचे दिया हुआ यहां पर, वैसे दिस मींस वी वुड हैव टू पे द इन्वेस्टर टू एक्सेप्ट द गैम्बल, इक्विवेलेंटली द इन्वेस्टर वुड बी प्रिपेयर्ड टू पे टू अवॉइड द गैम्बल 0.0251। ठीक है, हाँ ए सी चलो। अब जो कराने जा रहा हूं वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके, बट उसको मैं एक फॉर्म में दिखा दे रहा हूं। बस मैंने क्या बोला, दो टाइप का इन्वेस्टर है, दो टाइप का इन्वेस्टर कैसा कैसा है, ये आज का लास्ट टॉपिक है, फिर छोड़ दूंगा, और आज छोड़ रहा हूं, हर दिन नहीं छोड़ूंगा। इन्वेस्टर विल गिव दिस अमाउंट, हाँ ठीक है। देखो, सो बेसिकली मेरे पास में सोचो कितना रुपया है, बोली लगाओ, एक एक रफ गैस कितना, 12 करोड़, बोलो और कुछ, कोई 20, हा 10, हा 8 नहीं, 5 नहीं, 50 नहीं, 25 नहीं, हाँ 50 लाख नहीं, सोचो, नहीं सब कुछ ले लाके, मेरा मतलब टोटल, हाँ टोटल, हाँ नहीं एक खाली मेरा बताओ, हाँ मोटा मोटी मतलब वही है, समझो मेरा 1.5 के आसपास होगा। ठीक है, ज्यादा नहीं है यार, क्या है, मामूली सा टीचर ही तो है, इसमें क्या है, 1 करोड़ समझ लो। ठीक है, अब मैं सोचा कुछ और करूं जीवन में ताकि कुछ और अच्छा हो, ये 1 करोड़ को मैं 2 करोड़ पे ले गया 2 साल में, अभी 28 हो 30 तक मैं 2 करोड़ पे ले गया। जब मैं 1 करोड़ के वेल्थ पे था तो मेरा एसेट्स ऐसे था, 50% इक्विटी, 50% बॉन्ड। जब मैं आया 30 पे,
मेरा वेल्थ बढ़ा, समझ रहा है, मेरा वेल्थ बढ़ा, मैं क्या किया, मैं 60% इक्विटी में चला गया, 40% बॉन्ड में चला गया। तो मैंने क्या किया, रिस्की एसेट्स में एब्सोल्यूट अमाउंट भी बढ़ाया एंड रिलेटिव परसेंटेज अमाउंट भी बढ़ाया। द परसेंटेज इन्वेस्टेड इन रिस्की एसेट्स गॉन अप एंड द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑल्सो गॉन अप। इफ द परसेंटेज गॉन अप देन एब्सोल्यूट अमाउंट ऑटोमेटिकली गॉन अप, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। इट माइट हैपन सो आई इन्वेस्ट 40% इक्विटी 60% बॉन्ड। सो यहां पर क्या था, 50 लाख 50 लाख, यहां पर हो गया 80 लाख 120 लाख। तो यहां पर क्या हुआ, एब्सोल्यूट अमाउंट गॉन अप बट परसेंटेज गॉन डाउन। एक होता है ARA, एब्सोल्यूट रिस्क एवर्जन, और एक होता है RRA, रिलेटिव रिस्क एवर्जन। एब्सोल्यूट रिस्क एवर्जन मतलब अमाउंट, रिलेटिव रिस्क एवर्जन मतलब परसेंटेज। रिस्क एवर्जन यहां पर क्या हुआ है बताओ, ये देखो ये वाला केस खाली बताना, यहां पर खाली अमाउंट्स है, नो परसेंटेज, ओनली अमाउंट्स, नो परसेंटेज, क्लियर। सो बताओ यहां पर रिस्क एवर्जन हम लोग बात करेंगे, ARA का एब्सोल्यूट रिस्क एवर्जन, रिस्क एवर्जन बढ़ा है कि गिरा है? गिरा है, वेरी गुड, गिरा है, गिरा है। क्यों गिरा है, क्योंकि पहले मैं लगाता था रिस्की में 50, अब मैं रिस्की में लगा रहा हूं 80। मैं बोला आजा रिस्क, आजा थोड़ा, समझ लिया एब्सोल्यूट, बट रिलेटिव रिस्क एवर्जन परसेंटेज वाइज यहां था 50%, यहां था, अब ये भी दम तोड़ दिया है क्या भाई, यहां था कितना 50% और यहां पर कितना है 40%। सो वेल्थ बढ़ा, एब्सोल्यूट रिस्क एवर्जन गिरा, बट रिलेटिव रिस्क एवर्जन बढ़ गया। क्यों, मैं बोला पहले मैं लगाता था 50%, बट अब मैं लगा रहा हूं 40%। रिस्की एसेट में कम लगाना मतलब रिस्क एवर्जन को बढ़ाना। एक और एग्जांपल, 1 करोड़ से मैंने कर दिया 2 करोड़, ठीक है, यहां पर मैं लगाता था 50%, यहां पर भी लगाता हूं 50%, तो क्या हुआ बताओ, एब्सोल्यूट बताओ, एब्सोल्यूट रिस्क एवर्जन, हा इंक्रीज कौन बोला, हाथ उठाओ, इंक्रीज कौन बोला, हाथ उठाओ, यहां पर 50 लाख है, यहां पर 1 करोड़ है, तो एब्सोल्यूट रिस्क एवर्जन गिरा है ना। मैं बोला रिस्क आ जा, रिलेटिव टर्म्स में कांस्टेंट, 30% होगा तो बोलो, ARA का बताओ, ARA गिर रहे है, क्यों, यहां 50 और यहां रिलेटिव रिस्क एवर्जन बढ़ जाएगा, ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे, जाओ कल लैपटॉप लेके आना सब लोग, 2 बजे डॉट आ जाना, एक जन लिखा है 100 करोड़।